अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फरीन फूड जर्नी में आपका स्वागत है, मैं हूँ फरीन। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ईद स्पेशल जमजम बिरयानी की रेसिपी। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने ये फरमाइश की थी, तो उनके फरमाइश पे मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 किलोग्राम चिकन ले लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, यहाँ पर कुछ मसाले जाएंगे। अब हम इसे मसालों को इसमें डाल देते हैं चिकन में अच्छे से। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला लिया, 4 लेमन के स्लाइस ले लिए हैं, 1 तेज पत्ता और 1 बादियान का फूल लिया, 4 से 5 छोटी इलायची ली, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है। यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया, टमाटर मैंने 4 मीडियम साइज के लिए है, 1 छोटी कटोरी दही और 3 से 4 यहाँ पर मिर्ची डाल दी है, थोड़े धनिया चॉप्ड और थोड़ा पुदीना चॉप्ड करके डाला है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून नमक डाल दूंगी और यहाँ पर ये फ्राइड अनियन जाएगा, ये मैंने पहले ही बना कर रख लिया था, हम इस पर थोड़ा डाल देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें दम देना है तो ऑयल हमें इसमें अच्छा डालना है क्वांटिटी में। तो चलिए हम इसे अच्छे से हाथों के हेल्प से मैरिनेट कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से हमने ऊपर से नीचे अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। तो देखिए, हमारा मैरिनेशन कंप्लीट हो गया है, हम इसे ढक के साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, मैंने यहाँ पर मटन का कीमा ले लिया है जिसको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन के पेस्ट जाएंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर और थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्ची और रेड चिली पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स लिए हैं, उसको अच्छे से बाइंडिंग करने के लिए। ब्रेड क्रम्स की जगह आप थोड़ा बेसन को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राइड अनियन डाल दिया है थोड़ा, तो 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला है एंड 1/2 लेमन स्क्वीज कर दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, हमारा जो मिक्सिंग है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे इसके मीट बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स हम बड़े ही साइज़ का रखेंगे, बहुत छोटे नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बड़े ही साइज रख रही हूँ। तो देखिए, इस तरह हाथों को ऑयलिंग कर लेंगे थोड़ा, ये अच्छे से इजीली बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, अब बारी बारी से सारे बॉल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने 1/2 kg मटन ले लिया जिसको मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से। यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, कुछ मसाले डाल देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे, इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी हमें यहाँ पर डालना है थोड़ा, कि हमारा मटन अच्छे से कुक हो सके। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। अब चलिए, यहाँ पर हम ढक्कन लगा देंगे। हमने यहाँ पर वेसल देना है, 3 to 4 वेसल दिलाएंगे मटन को ऑन मीडियम फ्लेम। चलिए देख लेते हैं हमारा मटन टेंडर हुआ कि नहीं। ये देखिए, माशाल्लाह अच्छे से मटन हो गया, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये अच्छे से गल गया है, टेंडर हो गया है। अब यहाँ पर जो पानी इसमें थोड़े बहुत बचे हैं, हम उसे खुश कर लेंगे। हमें हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से भून लेना है। तो हमारा मटन भून चुका है, हम यहाँ पर वेसल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जितना भी मसाले हैं उसे अच्छे से निकाल लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे कुछ भी। यहाँ पर मैंने 1 kg बासमती राइस लिया जिसे मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो कर रख लिया था। चलिए, यहाँ पर पैन रख लेंगे। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने जो मीट बॉल्स बनाए थे वो शामिल कर देंगे इसमें, फ्राई कर लेंगे हम। तो देखिए, वन साइड हमारा फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब हम इसे दूसरे तरफ टर्न करेंगे एक एक बॉल्स को। देखिए माशाल्लाह, कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो हमारे जो मीट बॉल्स हैं वो भी फ्राई ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए, अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें अच्छा कलर भी आ गया है। अब हम कोफ्ते को निकाल लेंगे सारे, इसे निकाल कर हम साइड में कर लेंगे। इसी ऑयल में मैं अंडे को भी फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए जिसे मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था।
अंडे को हम थोड़ा ही फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स बताइए आपके रमज़ान कैसे गुजरे? अभी तो माशाल्लाह रमज़ान हो गया है एंड जो भी 2-3 बचे हुए हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो जाएंगे फ्रेंड्स। और बताइए आप लोग फिलिस्तीन के लिए दुआ करते हैं कि नहीं? आई नो कि सब लोग करते होंगे, लेकिन मैं फिर से बस बोलना चाहती हूँ प्लीज़ हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। वहाँ पर खाने पीने की हर चीज़ की तकलीफ है, अल्लाह उनकी हर तकलीफ़ों को दूर करे जल्द से जल्द, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए हमारे जो अंडे हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसी ऑयल में मैं आलू को भी फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए जिसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू में थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर ऐड कर लिया था। हम इसे 80% तक कुक कर लेंगे फ्राई करते वक्त, एंड 20% जो रहेगा हम दम में ये अच्छे से कुक हो जाएगा। तो ये मैंने एक वेसल लिया है जिसमें हमने चावल को बॉईल करना है। इसमें हम पानी रख लिए, इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए, जैसे जीरा है 1 टेबल स्पून, 3 से 4 लौंग है, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 दालचीनी, 1 बादियान का फूल। हम थोड़ा ऑयल डाल देंगे एंड 3 से 4 टेबल स्पून नमक। तो इसमें एक बॉयल आने तक फ्रेंड्स हमें चावल को ऐड करना है। तो ये देखिए एक बॉयल आ चुका है, उसमें सारे चावलों को शामिल कर देंगे एंड हाई फ्लेम पर हम इसे 5 से 10 मिनट तक बॉयल आने देंगे चावलों में। तो ये देखिए चावल में बॉईल आ चुका है, ये बीच से टूट गया है, इसका मतलब हमारा चावल जो है वो 70% तक कुक हो गया है। हमें पूरा 100% नहीं कुक करना रहेगा फ्रेंड्स। अब हमने जो मैरिनेट किया था चिकन को, तो उसके ऊपर हम सारे चावलों को अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए माशाल्लाह चावल कितने खिले खिले बने हैं, एंड जब इसमें दम हो जाएगा तो और भी अच्छा ये कुक हो जाएगा। तो चलिए हमने सारे चावलों को अच्छे से बिछा लेना है। अब यहाँ पर मैं देसी घी डालूँगी, 2 से 3 टेबल स्पून डाल देना है देसी घी। यहाँ पर मैंने 2 कलर बनाए, एक येलो फूड कलर मैंने बनाया है एंड एक रेड फूड कलर से मैंने रेड कलर बनाया है। तो हम दोनों थोड़ा थोड़ा जगहों जगहों पर स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। अब यहाँ पर फ्राइड अनियन थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे एंड मैंने यहाँ पर चॉप करके थोड़ा धनिया थोड़ा पुदीना भी डाल देते हैं। ये देखिए हम अच्छे से डाल देंगे। अब हमने जो मटन रेडी किया था हम यहाँ पर मटन को भी अच्छे से बिछा देंगे। अब मटन की बारी आ चुकी है, अब हम मटन को अच्छे से इसमें बिछा देते हैं फ्रेंड्स। ये बड़ा वेसल है, इसमें अच्छे से ये खुला भी बन जाएगा एंड बिरयानी भी बहुत डिलीशियस बन के टर्न आउट होगा। तो ये देखिए हमने मटन को अच्छे से बिछा दिया है। अब हम यहाँ पर अंडे को बिछा देंगे, एक एक करके रख देंगे। तो चलिए हम रख देते हैं, ये देखिए थोड़ा सा पुश करके नीचे की तरफ थोड़ा रख देंगे। इससे हमने यहाँ पर 3 ही अंडा बॉईल किया है, आप चाहो तो और भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके थे फ्राई करके, वो भी बारी बारी से सजा देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सब एक साथ मटन अंडे कोफ्ते सब। अब यहाँ पर हमने जो आलू फ्राई किया था वो डाल देंगे। आलू हमने इसके लिए बड़े बड़े क्यूब्स में रखे हैं क्योंकि हमने फ्राई भी कर दिया, अच्छे से वो कुक हो गए एंड जो 20% जो भी इसमें बचा कुचा रहेगा वो अच्छे से दम में कुक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए हमने आलू भी अच्छे से बिछा देने हैं। आप इसे ईद में बना सकते हैं, किसी भी ओकेजन में बना सकते हैं एंड अभी ईद आ रही है तो आप बना सकते हैं, बहुत मेहनत वाला नहीं है। बहुत सा होता फ्रेंड्स जमजम सुन के बोलते अरे बहुत डिफ़िकल्ट होता, बट ऐसा नहीं, हम दिल से बनाते हैं प्यार से बनाते हैं तो सब चीज़ें आसान होती हमारे लिए। तो ये देखिए तो थोड़ा बहुत फूड कलर बचा था, हम वहाँ पर डाल देंगे थोड़े थोड़े जंगों पर। आप यहाँ पर एक ही फूड कलर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 2 डालो, मुझे पसंद है तो मैंने डाल दिया। जो हमारे फ्राइड अनियन है वो स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा चॉप्ड धनिया एंड थोड़ा सा कोरिएंडर लीव चॉप किया हुआ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छे से बनकर रेडी हुआ है। अब चलिए हम क्या करेंगे, हम इसे ढक देते हैं, लिड लगा देते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा होल था, मैंने वो न्यूज़पेपर थोड़ा सा
फोल्ड करके उसमें डाल दिया है कि कहीं से भी एयर ना निकले और अच्छे से हमारा बिरयानी दम हो जाए। चलिए यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर लिया है दम के लिए। यहाँ पर मैंने हैवी बॉटम का तवा ले लिया, ये लोहे का तवा है। अब हम इस पे अपना वेसल रख देंगे। यहाँ पर हमें दम के लिए यहाँ पर 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे रखना, उसके बाद हमें मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा लो रखना है 20 मिनट तक का, उसके बाद ही हमें ढक्कन को हटाना रहे। स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है एंड टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ही होगा। तो ये देखिए हमारा जो बिरयानी है जमजम बिरयानी बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से हमारे मसालों का क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा रेडी हुआ है। अब चलिए हम इसे प्रेजेंटेशन के लिए एक बर्तन में हम इसे निकाल लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ निकालते हुए। ये देखिए एक एक चावल बहुत अच्छे से खिले खिले बने हैं, एकदम भी स्टिकी नहीं हुआ है। एंड कितने अच्छे चावलों में कलर है, रेड कलर है, येलो है, सब मिक्स है फ्रेंड्स। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। आप भी ज़रूर ऐसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा बना के, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए हमारा बिरयानी बनकर हो चुका है रेडी। लग रहे ना इतना यमी एंड डिलीशियस। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। आप लोग भी ज़रूर बनाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।